सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो विजन पंजाब टीवी ते मैं हाँ तुहाडे नाल अनु कौड़ा। एक पासे रशिया ते यूक्रेन दे विचाले जो जंग छिड़ी हुई है उस दीयां तस्वीरां लगातार सामने आ रही ने। लगातार जिहड़े उत्थे फसे हुए भारत दे नागरिक ने, भारत दे विद्यार्थी ने जो उत्थे पढ़न गए सी, वो लगातार उत्थों दी मंग कर रहे ने कि भारत सरकार किसे तरीके उन्हां दी मदद करे। लगातार उन्हां तों गुहार जिहड़ी है लगाई जा रही है कि किसे भी तरीके सानूं इत्थों दी बाहर कढ़िया जावे, इत्थे साडी जान नूं खतरा है, इत्थे कदे वी किते वी मिसाइल डिग सकदी है, सो सानूं किसे भी तरीके इत्थों दी कढ़िया जावे। पर स्टूडेंट्स का कहना है कि वह खुद अपने दम के उत्ते उत्थों की बाहर निकल रहे हैं। यूक्रेन तो पोलैंड के बॉर्डर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, बॉर्डर तक कोई 15-15, 18-18 किलोमीटर तुर के पहुँच रहा है। सो कितों की तस्वीर सामने आ रही ने जिते मौत की खबर सामने आती है, कितों की पता लगता है कि जो पोलैंड के बॉर्डर से पहुँचते हैं तो डांगा वजाई वहराई जा। और दूसरे पास भारत की जो गल करिए भारत के लगातार सरकार दियाँ तरीफा के पुल बन्ने जा रहे हैं। लगातार ये गल की जा रही है कि जिस तरीके दे नाल सरकार यतन कर रही है, जिस तरीके दे नाल मिशन गंगा चलाया जा रहा है, जिस तरीके दे नाल उधरों दी केंद्रीय मंत्री जिहड़े ने नाल लगदे जिहड़े यूक्रेन दे शहर सीगे देश सीगे उत्थे जिहड़े ने केंद्रीय मंत्री जाके आए ने, सो ये लगातार तस्वीरां और गल्लां सामने आ रही ने दो तरीके दियाँ, जिथे सरकार यतन कर रही है, सरकार दियाँ तरीफा सामने आ रही ने, केंद्रीय मंत्री दूसरे देशों के जा रहे हैं मदद के लिए, दूसरे पासे इत्थे जिहड़े नागरिक वापस आ रहे हैं उन्हां दा किवें जोश दे नाल स्वागत किया जा रहा है, ढोल खड़काए जा रहे हैं, सो वो तस्वीर सामने आ रही ने। मंत्री जिहड़े ने एयरपोर्ट पहुँचते हैं उत्थे हाथ जोड़ते हैं उन्हां दा स्वागत करन दे लई, एक पासे ये तस्वीर ने, दूसरे पासे उह स्टूडेंट ने जिहड़े कि उधरों की जान बचा के वापस आ रहे हैं, तो जो कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार कुछ नहीं कर रही, असी अपने दम के उत्ते जिहड़ा कुछ कर रहे हैं वह कर रहे हैं। सो इत्थे तुहानूं दस दईए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो काशी के सामने आ रही है जिथे कि वह डमरू वजाते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इस दे उत्ते बेशक इस दे विच कोई वड्डी गल नहीं, पर इस दे उत्ते इतराज़ इस करके जताया जा रहा है क्योंकि इस वेले जो माहौल चल रहा है, इस माहौल दे विच किवें उत्थे डमरू वजाए जा रहे हैं, यूपी दे विच ने उह, काशी दे विच ने, हले 3 दिन होर रहना है। लगातार इस तरीके दे नाल जिहड़े रोड शोज़ ने उह कीते जाने ने उत्थे, एक पासे बमबारी हो रही है तो दूसरे पासे बम हो रही है। सो इस चीज़ को लैके लोग सवाल जिहड़े ने इस वेले खड़े कर रहे हैं। सो यूक्रेन तो आई एक विद्यार्थन जिसने कि सारी गलबात दसी कि सरकार किस तरीके दे नाल काम कर रही है, किस तरीके दे नाल नहीं, किन्ने क भारत वालों की जिहड़ी मंग की गल की जा रही है वी असी मदद कर रहे हो, जिहड़ी मदद है उन्हां तक पहुँच रही है या नहीं, वो सारी गलबात उन्हां दसी है। पहलां तुहानूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डमरू वजाउंदिआं दी वीडियो दिखाने हैं, तो उस तो बाद जो विद्यार्थी सच्चाई दस रहे हैं वो सुनाने। जो सरकार है कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, पर उस सरकार ने हम लोगों के लिए कुछ आप मैसेज क्या देना चाहते हैं गवर्नमेंट को और लोगों को? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे अभी भी फंसे हैं वहाँ खाद्य और थीम प्लीज उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेट करके, प्लीज पर्सनली बी ऑन द ग्राउंड, वी आर प्लीज मेनी थिंग्स, क्या आप यहाँ बैठे बैठे सिर्फ ऑर्डर्स ना दें। गवर्नमेंट दावा कर रही है यहाँ से 4 मिनिस्टर को भेजा है, ऑपरेशन गंगा चला रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हैं, कुछ नहीं करा रहे, बिकॉज हमने अपने दम पे बॉर्डर क्रॉस किया है, कुछ और ज्यादा तो वहाँ देखने के लिए भी कोई नहीं था, एक्सीडेंट की डेथ हुई।